कैसे हो? बढ़िया। मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज हम 12th क्लास वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थ्री लेके आए हैं। मार्कर गिर गया है। चलिए, कैसे हो? बढ़िया। पार्ट वन और टू आपको देखना बहुत ज़रूरी बनेगा यदि पार्ट थ्री सीखना है तो। पार्ट वन में हमने डिस्कशन किया था करंट क्या है, करंट क्या होता है। चलिए फटाफट, किसी क्रॉस सेक्शन में से यूनिट टाइम में कितना कूलम पास हो रहा है, मतलब कितना चार्ज पास हो रहा है, उसी को तो करंट बोलते हैं। फिर एवरेज करंट, हाँ मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करूँगा, वीडियो फालतू में लंबा हो जाता है। इंस्टेंट करंट, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई थी हमारी पार्ट वन में। अब पार्ट टू में क्या बातें हुई थी? सर पार्ट टू में सिंपल बातें हुई थी। पार्ट टू की बातें लेवल वाली है, वो आपको पार्ट थ्री में काम में आने वाली है। ठीक है, ठीक है, चला। पार्ट टू में हमने ऐसा देखा था, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं पे टक्कर मारते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो एक दूसरे को नाबूद कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। मतलब कि जो क्रॉस सेक्शन में से क्यू पास होना चाहिए नेट, वो नहीं होता है, इसलिए करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। रस्ते में से किसी वायर को उठा लूं तो उसमें यही हलचल होते हैं, ठीक है। लेकिन उसी वायर को जब मैं किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं तब क्या होता है, लास्ट वीडियो में सब मैंने समझाया हुआ है। तब इलेक्ट्रॉन्स अपनी औकात में आ जाते हैं। हाँ, पप्पा आ गए ना, पप्पा आ गए तो बेटे सब सीधे लाइन नहीं चलेंगे ना। हाँ, ये इस वोल्टेज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन सीधे चलते हैं। सीधे चलते हैं मतलब देखिए, इस क्रॉस सेक्शन में से कुछ क्यू पास हुआ, कुछ क्यू पास हुआ टी टाइम में, मतलब आई प्रोड्यूस होता है। ये बातें हमारी पार्ट टू में हुई थी। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक। आज पार्ट थ्री के लिए, पार्ट थ्री के लिए थोड़ा फंडा फोकस देखेंगे, ठीक है, देखते हैं। चलिए आ जाइए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हाँ, क्लियर दिख रहा है बच्चों को? एक वायर के साथ मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, एक वायर के साथ मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, ठीक है। बैटरी का कनेक्ट करने से ये पॉजिटिव क्यू और ये नेगेटिव क्यू बन जाता है, ठीक है, है ना। ये रही बैटरी वोल्टेज, वी वोल्टेज वाली, ठीक है, चला जा। अब उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? सर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण इस क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रॉन्स पास होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, गुड सर। थोड़ा फंडा चेंज करता हूं। एक इसी में, अब इसी वायर को मैं बैटरी के साथ ही ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी स्ट्रांग बैटरी लेता हूं, डबल बैटरी कर दिया, ठीक है। ये प्लस माइनस, तो यहां पे पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, नो इशू। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और ये रहा क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स भी जाना स्टार्ट कर देंगे। तो सर क्यों समझा रहे हो डबल बार? सर यहां पे बैटरी एक कनेक्टेड है, वोल्टेज कम है बैटरी का, बैटरी पावर कम दे रहा है, वोल्टेज कम दे रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा कंपेयर टू दिस। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा क्योंकि बैटरी का वोल्टेज ज्यादा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यस, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, यहाँ पे उसकी कंपेयर में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाला सीन बोल रहा हूँ मैं आपको और ये नीचे वाला सीन है, ठीक है। चलिए, अब एक क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने, एक क्रॉस सेक्शन ये है कुछ भी, हाँ। अब इसमें से मैं बोल रहा हूँ 5 सेकेंड में, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, 5 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ जाना है, है ना, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाना है, तो मुझे बताइए दोस्तों। और इस केस में भी 5 सेकंड में इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाना है, तो आप मुझे बताइए
ठीक है, इस केस में 5 इलेक्ट्रॉन मान लो कि उधर गए, 5 चार्ज उधर गया, तुझे क्या लगता है दोनों केसेस में फर्क क्या है? सर इस केस में इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे खींच के आएंगे, क्यों पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक है कंपेयर टू दिस, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को धीमे धीमे खींचेगा, आजा आई बहार दिल है बेकरार, ऐसे खींचेगा, और इस केस में इलेक्ट्रॉन को चले चल जुप आजा आजा चले चले आजा जुप ऐसे खींचेगा, ठीक है। अब तू मुझे बता, 5 सेकंड दिए हैं तुझे, तुम दोस्त लोग घूमने जाते हो, मैं बोल रहा हूं 5 सेकंड में गेट में से बाहर निकलना है, 5 सेकंड में इस गेट में से बाहर निकलना है, तो सर ढीले डाले सब धीमे धीमे आ रहे हैं, धीमे धीमे आएंगे, 5 जने आए, 5 सेकंड तो टाइम पूरा हो गया, बाकी के जा पाएंगे अंदर? नहीं जा पाएंगे। वही मैं बोल रहा हूं कि 5 सेकंड में, अब तुम स्पीड में दौड़ के आओ तो क्या 5 सेकंड में 5 ही जने जा पाओगे? सर सब स्पीड में दौड़ के आएंगे तो टाइम्स अप होगा? नहीं होगा। टाइम अप हो जाएगा क्या? नहीं सर, टाइम 5 सेकंड है तो आराम से बहुत जल्दी स्पीड में दौड़ के आएंगे ना तो सारे निकल जाएंगे हम, और धीमे धीमे दौड़ के आए तो टाइम खत्म हो जाएगा, 5 सेकंड का लिमिट है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो फास्ट दौड़ के आओगे मतलब कि ज्यादा जने अंदर एंट्री कर पाओगे, उसी सेकंड में, उतने ही सेकंड में ज्यादा जने अंदर घुस जाओगे, ठीक है। तो बोलिए यहां पे नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा एंट्री करेंगे, ज्यादा एंट्री करेंगे मतलब ज्यादा क्यू होगा टी टाइम में, ठीक है, और यहां पे कम इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे तो कम क्यू होगा उसी टाइम में, और कम क्यू मतलब आई कम होगा और ये आई ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बोल हाँ या ना, पूरा लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? 5 सेकंड में तुम धीमे धीमे आ रहे हो तो 5 जने आए, टाइम पूरा हो गया भाई, धीमे धीमे क्या आ रहा है, चला फासा। दूसरे केस में तू स्पीड में आ रहा है तो टाइम्स अप नहीं हुआ है, 5 सेकंड है, 1 सेकंड में 5 जने चले गए, दूसरे सेकंड में 5 जने, तीसरे सेकंड में 5 जने, चौथे सेकंड में 5 जने, ऐसे बहुत सारे ज्यादा लोग निकल पाओगे अंदर से, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जा पाएंगे मतलब ज्यादा चार्ज क्रॉस सेक्शन में से पास होगा मतलब कि ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इसलिए दोस्तों बोलते हैं वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? पक्की बात सर। तो यही है दोस्त आज का मेरा फंडा, ये बोला था, आज 2020 चल रहा है तो 1828 में मेरी तरह ही इन्होंने बोला था, ओहम बाबा ने बोला था, थैंक यू। देखा 198 साल बाद मैं बोल रहा हूं, बोलना नहीं कोई बीच में, 192 साल बाद, हाँ ओहम स्लो। तो उन्होंने ये कहा था 1828 में, जर्मन साइंटिस्ट थे वो, जर्मन के, अरे क्या हिंदी लिखते हो सर, जर्मन के साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी थे, उनका मैथ्स भी तगड़ा था, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। नाम था उनका जॉर्ज साइमन ओहम, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक शांति से छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, तूने मरी एंट्रियाँ दिल में बजी घंटियाँ टंग 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 टन 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 टन, हाँ ये तो होता ही है सर, पॉजिटिव तो अपने सिर पे लिखा के आया है मतलब, ओके चलिए ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन और बना दिया, हाँ तू हाँ कहे या ना कहे। उन्होंने ये कहा कि मैं लैब में बैठा हूँ और लैब में प्रेशर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ऑल दी फिजिकल एस्पेक्ट्स, ऑल दी फिजिकल क्वांटिटीज शुड रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। उस टाइम यदि प्रेशर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेम रहे तो क्या होगा मालूम है? ऑल फिजिकल कंडीशंस आर सेम लाइक
कौन कौन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये कांस्टेंट रहे तो उस टाइम जो बैटरी का वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब यहाँ दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी में से पास होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल में होगा, ऐसा दसवीं में आप पढ़ चुके हैं। ऑल फिजिकल कंडीशन आर सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम कंडक्टर। बोलिए हाँ या ना, ठीक है, उनका ये कहना था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, पोटेंशियल डिफरेंस किसके, करंट के, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये सारे सेम रहने चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हम आगे मैं एक टॉपिक लूंगा उसमें आपको डिस्कशन करूंगा। तो उनका ये मानना था V इज प्रोपोर्शनल टू I, बोल हाँ या ना, वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यही वोल्टेज और I दोनों प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। चलो V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो R आएगा, वेयर R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, और दूसरा बोल सकते हैं दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस किसका है, ऑफ कंडक्टर, हाँ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसमें से करंट जा रहा है उसका रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस मतलब टू रेजिस्ट मतलब रोकना है ना, तो इसमें रोकने का काम कौन कर रहा है, ये है सर, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत परेशान करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करते हैं, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये यूज में आते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, जो करंट को या तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्लो करे या तो रोके, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आगे रेजिस्टेंस टॉपिक पूरा अलग से लूंगा, वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, अभी जरूरत नहीं। चलिए तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल्स टू V बाय I, R इज इक्वल्स टू V बाय I, हो सकता है सर, कोई इश्यू नहीं है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों, इसी को ओहम्स लॉ बोलते हैं, V इज इक्वल्स टू आर आई को ही ओहम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलिए R इज इक्वल्स टू वी आई, वी अपॉन आई, ठीक है, ओहम का दूसरा डेफिनेशन आप इस पर से भी बना, ये तो है ही, इस पर से भी बना के लिख सकते हो, ऑल फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके, एट दैट टाइम अ रेशियो ऑफ, अ रेटियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉन्स्टेंट, देखा दोनों का रेशियो कैसा है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये कब अप्लाई होता है ओम्स लॉ, जब R मतलब रेजिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तब तक के लिए ठीक है। अब मैं लास्टली बोल देता हूं आपको, ये जो हाँ रेजिस्टेंस के बारे में आपको बात करनी है थोड़ी बहुत, तो मैं बोल देता हूं रेजिस्टेंस का R इज रेजिस्टेंस, हाँ ये लिखना नहीं है, ये एक्स्ट्रा है ऐसे ही, फालतू नॉलेज है खाली, वो आपकी ओहम्स लॉ पूछे तो उसमें आपको ये डिटेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बोलिए उसका, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है, फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगा R का, R का ऐसे डेफिनेशन तो मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी इस पर से आप डेफिनेशन क्या बना सकते हो, V और I के रेशियो को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, या तो अ प्रॉपर्टी ऑफ द, प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का चार्ज के मोशन को रोकने का, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकने का प्रॉपर्टी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है सर, आता है, इसका यूनिट क्या हो जाता है सर, आता है वोल्ट अपॉन एम्पियर और ओहम, या तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, दसवीं में आप पढ़ चुके हो, ये सारी बातें है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको एक जो चीज मुझे समझानी है आपको,
एक चीज जो समझानी है, मान लो मुझे V वर्सेस I का ग्राफ बनाना है, V वर्सेस I का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे कैसा मिलेगा? अरे सर क्या बच्चे ऐसी बातें करते सर, ए बच्चा दोनों का लीनियर है रिलेशन, V प्रोपोर्शनल टू I है तो लीनियर ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ का स्लोप कैसा होगा? तो सर वैल्यू दोगे? एक्सपेरिमेंट है इसका, शायद देखो टाइम मिला तो मैं एक्सपेरिमेंट पूरा यूट्यूब पे डालूंगा वीडियो उसका, एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़ा वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, लैब में अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं मान लो स्लोप फाइंड करूँ, ग्यारह में स्लोप फाइंड किया हुआ है अपने, स्लोप फाइंड करूँ ना तो इसका स्लोप एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सर कोई भी स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये तो फिक्स बात है सर, 11 जो मेरे पास पढ़े उन बच्चों को मैंने बताया था। तो स्लोप इज इक्वल्स टू वाई एक्सिस पे कौन है, कौन वेरी हो रहा, वोल्टेज, x एक्सिस पे कौन वेरी हो रहा, एम्पियर मतलब ये करंट, v अपॉन i, भाई v अपॉन i मतलब r। तो आप ये भी बोल सकते हो कि v और i का जो ग्राफ का स्लोप है उसका जो वैल्यू है वही रेजिस्टेंस, कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। तो बोलो ओहम के लॉ ऊपर से v और i का ग्राफ बनाओगे तो उस पर से आपको रेजिस्टेंस कितना है वो पता चल जाएगा, है ना? तो ये सारी बातें हैं। अच्छा देखिए, विश्व में सारे जो हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, टनल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, फिर बहुत सारे मतलब गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जो सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ोगे, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जब पढ़ोगे आप चैप्टर, तब आपको पता चलेगा कि सारे लोग मतलब सारे कंपोनेंट्स इस यूनिवर्स में, सारे कंपोनेंट्स जितने भी बने वो ओहम का नियम का पालन नहीं करते हैं दोस्त। मतलब ओहम का लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ओहम का लॉ कुछ कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन पे लागू नहीं पड़ता है। तो जिन पे ओहमिक कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, और दूसरा आता है नॉन ओहमिक कंपोनेंट्स। हाँ डेफिनेशन पूछते हैं, डेफिनेशन ओहमिक कंपोनेंट्स मतलब जो ओहम के नियम का पालन करें, मतलब जो कंपोनेंट्स v प्रोपोर्शनल टू i में रहे उनको क्या बोलते हैं, ओहमिक कंपोनेंट, और जो ओहम के नियम का मतलब ओहम का लॉ ओबे नहीं करते हैं उनको नॉन ओहमिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर बात है। चलिए मैं एक बॉर्ड रफ करके आपको समझाता हूँ आगे। ओहम सारी जगह लागू नहीं पड़ता है, तो कहाँ लागू नहीं पड़ता है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, तो मैं लिमिटेशंस आपको लेके समझाता हूँ। ठीक है, एक दो मिनट के लिए बॉर्ड रफ कर देता हूँ, वीडियो पोस्ट करता हूँ। चलिए बॉर्ड रफ हो चुका है, अब हमारा टॉपिक है तो ओहम के लॉज का लिमिटेशंस कितना है। ओहम का लॉ कुछ ही चीजों के लिए लागू होता है, कुछ चीजों के लिए लागू नहीं होता है। तो पहला लिमिटेशन हम देखेंगे, पहला लिमिटेशन है v वर्सेस i का मैं ग्राफ बनाऊं तो दोस्तों मैंने देखा कि जो डायोड और ट्रांजिस्टर ऐसे सेमीकंडक्टर चैप्टर उसमें आप पढ़ोगे, ये जो चीजें हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, उसके लिए हमने देखा कि v वर्सेस i का ग्राफ, अब एक्चुअली आगे ऐसे जाना चाहिए, सीधा सीधे जाना चाहिए ना, टक 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 टक, लेकिन ऐसा ना जाके थोड़े दूर जाके ये ऐसे हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो v वर्सेस i का ग्राफ इन चीजों के लिए लागू नहीं पड़ता है, थोड़ी देर तक जाके फिर आगे जाके मुड़ जाते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा कि अंदर जो कंडक्टर है, कंडक्टर है अंदर, ऐसा मान कुछ केस में कब होता है, कुछ केस में थोड़ी देर तक v और i प्रोपोर्शनल में रहते फिर आगे मुड़ जाता है, कब होता है, जब कोई कंडक्टर है बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है, ये पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस है अंदर फुल, कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण कंडक्टर वायर का, ये जो वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो पॉजिटिव है पहले ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करते होते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करते हैं, है ना? टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ता है, टक 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 टक, मतलब अपने आप ऑसिलेशन जोरदार हो जाते हैं ऐसे ऐसे। अब आप सुनना, टेम्परेचर जब नहीं बढ़ा था, नॉर्मल था, तब इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से पास होना था यहाँ से, तो आराम से निकल जाता था क्योंकि एकदम धीमे धीमे ऑसिलेशन कर रहे हैं।
अब तू सोच टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, बेचारा इलेक्ट्रॉन जाए कहाँ, इसलिए उसको ज्यादा नड़ता है ये, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन पास उसमें से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ओ सर हमारा जो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई था वो ओम के लिए, उसमें कंडीशन था आर क्या था, कॉन्स्टेंट था, आर कॉन्स्टेंट है तभी वी प्रोपोर्शनल आई था, याद है आपको। तो इसमें तो आर बढ़ रहा है, इसलिए शायद मेरे हिसाब से आगे जाके ये मुड़ गया है, समझा के नहीं समझा, शायद ऐसा होना चाहिए कि कहीं वायर का टेम्परेचर बढ़ गया होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देता है तो ये नियम लागू नहीं पड़ता है, इसलिए शायद थोड़ा आगे जाके ऐसे मुड़ गया है ग्राफ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों डायोड और ट्रांजिस्टर जैसी कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जैसे कंपोनेंट्स के लिए लागू नहीं पड़ता, मतलब ये लागू V प्रोपोर्शनल टू I लागू नहीं पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों मेरे पास एक लेवल वाला डायग्राम है, लेवल वाला डायग्राम है, यहां पे मैं वोल्टेज ले लेता हूं प्लस और माइनस, यहां पे एम्पियर ले लेता हूं प्लस और माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं मान लो कि पॉजिटिव 2 वोल्ट लेता हूं, पॉजिटिव 2 वोल्ट मैंने लैब में कर दिया 2 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है ओके वोल्टेज। तो उस टाइम मैंने देखा कि कुछ ग्राफ ऐसे मिल रहा है, ठीक है सर, ग्राफ ऐसे मिल रहा है का मतलब है 2 वोल्ट वोल्टेज होता है तब करंट, तब करंट मान ले कि भाई 2.5 मिली एम्पियर के ऑर्डर में मिल रहा है, 2.5 एम्पियर एक तो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, वोल्टेज पॉजिटिव होता है तब जो आई का वैल्यू मिला, तब जो आई का वैल्यू मिला जितना मिला 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया लैब में ही, इस वोल्टेज को जो प्लस 2 वोल्ट था उसको माइनस 2 वोल्ट लिया, माइनस 2 वोल्ट लिया, खाली मैंने उसका साइन चेंज कर दिया, तो मैंने देखा कि माइनस 2 वोल्ट पे कोई बात है नहीं, ऐसे ग्राफ मिल रहा है। और देखा तो एम्पियर का वैल्यू था कुछ 1.5 और ये भी माइक्रो एम्पियर है, तो देखिए आप वोल्टेज का साइन चेंज हो जाने से आई का वैल्यू कुछ डिफरेंट मिला, ठीक है, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में, 1.5 माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में। तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ उसका, एक ही मतलब वोल्टेज का वैल्यू चेंज नहीं किया है मैंने, उसका साइन चेंज कर दिया है तो भी आई का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा आप ग्राफ पर से भी देख पा रहे हैं क्या लीनियर ग्राफ है, क्या V और I का ग्राफ भी लीनियर नहीं है, देख लो। तो ये V और I को, V प्रोपोर्शनल टू I को जस्टिफाई नहीं करते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शंस आपको, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसा एक पूरा टॉपिक है PN जंक्शन डायोड। सर कालूपुर अहमदाबाद जंक्शन नहीं है रे, पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन डायोड है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तब कुछ और ये मिलता है, नेगेटिव लेते हैं तब कुछ और मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तब उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, आगे आएगा, और नेगेटिव लेते हैं तब उसको बोलते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। ये सब आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, कंफर्म है, चला जाए। तीसरा वाला लिमिटेशन है, मेरे पास एक है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड का मैंने V और I का, I और V का ग्राफ देखा गैलियम आर्सेनाइड का, सॉरी V और I का ग्राफ देखा मैंने, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिला, ड्रॉ किया तरीके से। सर मुझे यहां तक तो कोई इश्यू नहीं था, यहां तक कोई इशू नहीं है, V और I
बाद का जो रीजन है, और यहां पे इतना है, देखिए ये कैसा रीजन है, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर मतलब कर्व है कि नहीं, इतना पोर्शन। और ये तीसरा पोर्शन क्या है, देखिए पहले पोर्शन में मुझे कोई इश्यू नहीं है, ये मैं देख पा रहा हूं v इंक्रीज हो रहा है, i इंक्रीज हो रहा है, पहले पोर्शन में कोई इश्यू नहीं है। दूसरे पोर्शन में तो नॉन लीनियर है पूरा पोर्शन, ठीक है। तीसरे पोर्शन में आप देख पा रहे हो i डिक्रीज हो रहा है, तीसरे पोर्शन में v इंक्रीज i डिक्रीज हो रहा है, ये शो करता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस हो रहा है। ये क्या है सब, आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, अब क्या है सर रेजिस्टेंस का टॉपिक पूरा चलाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब बोलिए आप, मैं ये बोल सकता हूं गैलियम आर्सेनाइड में किसी एक को मैं ले लेता हूं, सपोज यहां पे करंट का कुछ वैल्यू है 5, करंट का वैल्यू 5 है, तो देखिए 1 और 2, ओहो सर हाउ इट इज पॉसिबल, ओम्स के लॉ में तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, करंट का वैल्यू 5 है, उसके लिए भी वोल्टेज का यहां पे भी वैल्यू मिल रहा है और यहां पे भी वैल्यू मिल रहा है, मतलब एक सिंगल वैल्यू ऑफ करंट के लिए मुझे वोल्टेज का 2 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। ऐसा किसमें होता है, गैलियम आर्सेनाइड में होता है, सो ओम के नियम का ये भी पालन नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। मार्कर क्यों मिल रही है, ठीक है, चला जाए। अब दोस्तों ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी कभी कुछ कंपोनेंट्स में ऐसा भी होता है, तो कभी कभी आई वर्सेस बी का ग्राफ ऐसा होता है, तो आप देख लीजिए आई की एक वैल्यू के लिए 1, 2 तीन वोल्टेज का वैल्यू मिल रहा है, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू मिले वोल्टेज का एक आई के लिए, तो ये सब लिमिटेशंस हैं ओहम के, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए, भाई कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि मैंने फंडा फोकस ना चलाया होता, यदि मैंने आगे वाला स्टार्टिंग में लेक्चर के, तो क्या आपको ओहम्स के लॉ में थोड़ा मतलब टप्पी पड़ता कि नहीं पड़ता, क्योंकि 10वां बढ़ेगा 14वां बात हो ना थी ओहम्स लॉ, ठीक है। लिमिटेशंस और ये सब कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखिएगा, तो जोश आएगा, हाउस में जोश, हाय सर, चल बाय बाय, टेक केयर।